चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम हेजॉग सिग्नलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। अगर हम हेजॉग की बात करें तो हेजॉग सिग्नलिंग में मेन रोल किसका आता है? हेजॉग प्रोटीन का आता है। ये जो हेजॉग प्रोटीन है ये यहाँ पर एज अ लाइगेंड के तौर पर वर्क करता है, सेल पे आके रिसेप्टर से बाइंड करेगा और अपनी सिग्नलिंग को चलाएगा। यहाँ पर जो हेजॉग प्रोटीन होता है इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था ड्रोसोफिला में, इसकी डिस्कवरी हुई थी ड्रोसोफिला में। तो अगर हम यहाँ पर हेजॉग प्रोटीन के बारे में देखें, आज के लेक्चर में हम इसकी सिग्नलिंग देखेंगे और ये देखेंगे किस तरीके से ये कैंसर कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हेजॉग मैंने कहा प्रोटीन है, हमें पता है किसी भी प्रोटीन को कोड करने के लिए जीन चाहिए, क्योंकि जीन से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर कुल मिला के टोटल 3 जीन होते हैं जो कि इसको सिंथेसाइज करते हैं। एक होता है सोनिक जीन, एक होता है डेजर्ट जीन और तीसरा होता है हेजॉग जीन। ये तीनों मिलके इस प्रोटीन को बनाते हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? जीन्स है। और ये जीन्स कहाँ पे होते हैं? वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑल दीज 3 आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। अगर हम हेजॉग प्रोटीन के बारे में बात करें तो इस तरीके से अगर प्रोटीन है तो इस प्रोटीन की स्पेशलिटी है कि ये कोलेस्ट्रॉल से भी बाइंड करके रखता है और ये फैटी एसिड से भी बाइंड होता है, यानी कि इस प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट और फैटी एसिड भी प्रेजेंट है। दोनों ही किसके थ्रू बाउंड होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बाउंड होते हैं। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे इसकी सिग्नलिंग देखें किस तरीके से सिग्नलिंग करता है, सेल डिवीजन करता है और प्रोलिफरेशन करता है, तो सबसे पहली अगर मैं चीज कंसीडर करूँ, जब हेजॉग प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो सेल है इसको क्या नहीं मिला, इसको हेजॉग प्रोटीन नहीं मिला, तो फर्स्ट सिग्नलिंग इज नो हेजहॉग। अगर हम हेजॉग को देखें, अगर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसको रिसीव करने के लिए कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर टोटल 3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके अगर हम उन तीनों रिसेप्टर के बारे में देखते हैं, सबसे पहला जो रिसेप्टर होता है उसका नाम होता है पैच्ड रिसेप्टर। यहाँ पर इस तरीके से रिसेप्टर है और ये टोटल 12 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करता है। तो यहाँ पर ये क्या है? पैच रिसेप्टर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ये है 12 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और इसका नाम है पैच्ड। ये जो पैच होता है इसका काम होता है रिसीव करना हेजॉग को। इसके अलावा यहाँ पर एक और रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि एज अ को रिसेप्टर के तौर पे वर्क करेगा, जिसका नाम होता है आई हॉग। इट वर्क्स एज अ को रिसेप्टर। इसके अलावा यहाँ पर एक और रिसेप्टर भी है लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर सेल के अंदर एक वेसिकल में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक वेसिकल है और वेसिकल पे प्रेजेंट होता है वो रिसेप्टर, उसका नाम है स्मूथेंड रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर है ये क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को टोटल 7 टाइम। अगर हम 7 टाइम देखें तो एक और होता है जो 7 टाइम पास करता है, जिसका नाम है GPCR। तो ये जो स्मूदेंट रिसेप्टर है इसकी रिजेम्बलेंस होती है GPCR से। ये GPCR है नहीं, बस ये क्या करता है? रिजेम्बल करता है GPCR से, इसलिए GPCR भी 7 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहली कंडीशन ली है कि हेजॉग आया नहीं है। जब हेजॉग नहीं आता है उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पैच है ये पैच ब्लॉक करके रखता है स्मूदेंट को। इसका काम क्या है? पैच ब्लॉक करके रखेगा स्मूदेंट को। जब यहाँ पर कोई भी हेजॉग नहीं आया, ये किस तरीके से करता है वो मैकेनिज्म अभी भी अननोन है, लेकिन इतना है कि ट्रांस मेम्ब्रेन पैच जो प्रोटीन है वो स्मूदेंट को ब्लॉक करके रखेगा। सो यहाँ पर अब सेल में क्या होगा? जब हेजॉग नहीं आएगा उस कंडीशन में यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, जिसको बोलते हैं CI। CI की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर CI की फुल फॉर्म है क्यूबिटस इंटरप्टस। ये जो क्यूबिटस इंटरप्टस है इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाएगा जब तक हेजॉग नहीं आता, तो ये सेल में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो इससे बाउंड होके रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से CI है, CI से कुछ प्रोटीन्स आके बाउंड होते हैं जिनका नाम होता है कोस्टल 2। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है और ये प्रोटीन होता है कोस्टल 2 प्रोटीन। कोस्टल 2 के साथ साथ यहाँ पर एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है फ्यूज्ड 2। ये दोनों के दोनों प्रोटीन इससे बाउंड होंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स किससे बाउंड होगा? माइक्रोटिब्यूल से बाउंड होगा। माइक्रोटिब्यूल अगर हम देखें तो ये क्या होता है? ये एक साइटोस्केलेटन होता है जो कि सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है।
तो यहाँ पर माइक्रोटिब्यूल प्रेजेंट है। अब माइक्रोटिब्यूल से सीआई को क्यों बांध रखा है या फिर इन सब से क्यों बांध रखा है, ताकि सीआई न्यूक्लियस में नहीं जा सके, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियस में गया तो वो डीएनए से आरएनए बन पाएगा और आरएनए से प्रोटीन बन पाएगा, वो तो हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो डिग्रेड करेगा सीआई को। किस तरीके से यहाँ पर डिग्रेडेशन होता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जब ये कॉम्प्लेक्स बना होता है ना, तो इधर सेल में तीन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं तीन काइनेज प्रेजेंट होंगे जो इसको फॉस्फोराइलेट करेंगे। कौन कौन से होते हैं, एक का नाम होता है प्रोटीन काइनेज, दूसरे का नाम होता है CGSK3 और तीसरे का नाम होता है CK1। GSK3 का मतलब होता है ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज। काइनेज नाम से या पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। और दूसरे का नाम होता है केसिन काइनेज। ये तीनों के तीनों काइनेज है, यानी कि ऑब्वियसली क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों ऐड करते हैं फॉस्फेट ग्रुप सीआई पे। तो जब यहाँ पर सीआई का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, तो ये फॉस्फोराइलेटेड सीआई एक मैसेज है कि आप इस सीआई को डिग्रेड कर दो। इस सीआई को क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पर इस सीआई का हो जाएगा यूबिक्यूटिनेशन। यूबिक्यूटिनेशन जब जब किसी प्रोटीन का होता है, तो सिंपली उसका मतलब है कि इसको अब तो डिस्ट्रॉय करना है, तो इसका हो जाएगा यूबिक्यूटिनेशन। उसी के साथ साथ इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। किस तरीके से इसको डिग्रेड किया जाएगा, एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है सेल में जिसका नाम होता है प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम बनी इसके लिए होती है कि उसमें डिग्रेडेशन करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इस तरीके से सीआई आएगा और इसको डिग्रेड किया जाएगा। पर यहाँ पर इसको कम्प्लीटली डिग्रेड नहीं किया जाता है, इसको कम्प्लीटली नहीं किया जाएगा, इसको थोड़ा सा डिग्रेड किया जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम इस सीआई प्रोटीन को देखें, तो ये सीआई प्रोटीन टोटल तीन डोमेन से बनी होती है। कौन कौन से डोमेन होती हैं, यहाँ पर एक होती है डीबीटी डोमेन, एक होती है ओडी डोमेन और एक होती है टैट डोमेन। डीबीटी का मतलब क्या होता है, डीबीटी का मतलब होता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, यानी कि ऐसी डोमेन जो कि डीएनए से बाइंड करेगी और डीएनए से बाइंड करके वो जो ट्रांसक्रिप्शन करवाती है वो करवा सकती है, लेकिन इस डोमेन का सिर्फ इतना सा काम है कि वो डीएनए से बाइंड होगी। दूसरी यहाँ पर डोमेन होती है ओलिगोमेरिक डोमेन। और तीसरी जो डोमेन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो डोमेन होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन। यानी कि अगर ये डोमेन होगी तभी क्या करवा पाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन करवा पाएगा किसी भी डीएनए का, नहीं तो फिर ये नहीं करवा पाएगा। अब यहाँ पर प्रोटियोसोम इस डोमेन के साथ ही खेल जाता है। प्रोटियोसोम यहाँ पे आके क्या करता है, प्रोटियोसोम ये जो टीएडी डोमेन है इन दोनों डोमेन से इसको अलग कर देता है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर डीबीटी डोमेन एक साथ प्रेजेंट होगी ओडी के साथ, लेकिन टैड यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर टैड कुछ भी नहीं कर पाएगा और ये दोनों डोमेन्स जो है इन दोनों का अमाउंट साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब ये जो डोमेन है ना, इनको बोलते हैं हम CI75। और ये किस तरीके से एक्ट करेंगे, इंस्टेड ऑफ एक्टिवेटर ये अब एक्ट करेंगे रिप्रेसर की तरह। जो सीआई प्रोटीन है वो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करवाता है, लेकिन अब वो टूट चुका है तो वो क्या हो चुका है, वो रिप्रेसर हो चुका है। तो अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में जीन्स प्रेजेंट होंगे जिसको टारगेट करने वाला था सीआई, लेकिन अब इस कंडीशन में कौन आ गया, यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पे आ गया CI75 जो कि एक रिप्रेसर है। तो ये क्या कर देगा, ये रिप्रेस कर देगा। आप देख सकते हैं इसने क्या कर दिया, इसने ब्लॉक कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर निशान है, तो इसका मतलब क्या है, इसने रिप्रेस कर दिया। रिप्रेस करने की वजह से यहाँ पर ना ही तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ही यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा। तो ये सारी कहानी कब चलती है, जब हेजॉग नहीं आया। तो इस तरीके से हेजॉग के ना आने की वजह से रिप्रेस हो जाता है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि हेजॉग जब आएगा तब उस कंडीशन में क्या किया जाता है। तो यहां पर अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, जब हेजॉग प्रेजेंट होगा। तो जब हेजॉग प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा। उसके रिसेप्टर कौन कौन है, जैसे हमने देखा पैच्ड एंड आईहॉग। तो यहाँ पर कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 यहाँ पर है पैच्ड ट्रांस मेम्ब्रेन, और इसी के साथ साथ यहाँ पर कोर रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसका नाम है आईहॉग।
इन दोनों से आके कौन बाइंड करेगा, इन दोनों से आके बाइंड करेगा HH, यानी कि हेजॉक यहाँ से आके बाइंड करेगा। अब जब HH यहाँ पे हेजॉक आके पैच से बाइंड करता है ना, तब वो ब्लॉक करना, जो पैच ब्लॉक कर रहा था स्मूदेंड, वो अब नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जनरली हम देखते हैं रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होके पाथवे को एक्टिवेट करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पैच will not be able to block, ये किसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, स्मूदेंड को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। अब जब स्मूदेंड को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो स्मूदेंड हमारा इस तरीके से वेसिकल में प्रेजेंट था, कितनी बार वो पास कर रहा था वेसिकल के मेम्ब्रेन को, 7 times, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से 7 times पास कर रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में पहली बात तो पैच्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो इस कंडीशन में पैच को सेल के अंदर ले लिया जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरनलाइजेशन ऑफ पैच्ड एंड डिस्ट्रॉय, पैच को इंटरनलाइजेशन कर दिया जाएगा एंड डिग्रेडेशन ऑफ पैच विल अकर, डिग्रेडेशन ऑफ पैच विल अकर। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब हमारा स्मूदेंड को कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो स्मूदेंड का फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाएगा। फॉस्फोराइलेशन कौन करेगा स्मूदेंड का, यहाँ पर आएगा पीके, उसी के साथ साथ यहाँ पर आएगा GSK3 और उसी के साथ साथ यहाँ पर आएगा तीसरा प्रोटीन था CK1। ये तीनों प्रोटीन आएंगे और ये तीनों प्रोटीन क्या करवा देंगे, फॉस्फोराइलेशन करवा देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे स्मूदेंड का फॉस्फोराइलेशन होगा, ये हो जाएगा स्मूदेंड एक्टिव और स्मूदेंड कहाँ चला जाएगा, फॉस्फोराइलेटेड स्मूदेंड विल मूव टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इसको किधर इंसर्ट करवा दिया जाएगा, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट करवा दिया जाएगा। सेम ये कितने हैं, 7 times से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करेगा। उसी के साथ साथ क्या है, उसी के साथ साथ ये फॉस्फोराइलेटेड तो है ही। अब ये जो फॉस्फोराइलेटेड स्मूदेंड है, ये किसके साथ बाइंड होगा, ये बाइंड होगा हमारे कोस्टल 2 के साथ और फ्यूज्ड 2 के साथ, जो कि डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स बना रहे थे यहाँ। सो अगर मैं इस फॉस्फोराइलेशन को रिमूव कर दूँ इस तरीके से स्पेस के लिए थोड़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर कौन आके बाइंड कर जाएगा, ये कोस्टल प्रोटीन और उसी के साथ साथ फ्यूज्ड प्रोटीन। तो इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है फ्यूज्ड और इसी तरीके से यहाँ पर आ चुका है कोस्टल, दोनों के दोनों यहाँ पर प्रोटीन आ चुके हैं। अब कोस्टल 2 और ये जो फ्यूज्ड 2 है, ये पकड़ नहीं पाएंगे हमारे CI को, ये जो दोनों के दोनों है बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे और CI को पकड़ नहीं पाएंगे। तो CI क्या हो जाएगा इस चक्कर में, यहाँ पर जो हमारा CI प्रोटीन है वो फ्री हो जाएगा। अगर CI प्रोटीन एक बार फ्री हो गया है, तो ये एक्टिव फॉर्म में ही है, इसको इनएक्टिव नहीं किया गया, ना ही इसका फॉस्फोराइलेशन किया गया, तो ये आराम से कहाँ पे जा पाएगा, ये आराम से जा पाएगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाके ये क्या कर पाएगा, इसके जितने भी टारगेटिंग जीन है उन पे जाके उनको एक्टिवेट कर पाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है CBP प्रोटीन, फुल फॉर्म होती है CBP प्रोटीन की, क्रब बाइंडिंग प्रोटीन। इसको हमने पहले GPCR सिग्नलिंग में भी देखा है। तो क्रब बाइंडिंग प्रोटीन से जाके CI बाइंड करेगा, ये दोनों जाके किससे बाइंड करेंगे, DNA से बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसकी वजह से ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये जो प्रोटीन बनेगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सेल का हो जाएगा सेल प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन हो जाएगा, यानी कि सेल को डिवाइड करवाया जाएगा, सेल की ग्रोथ करवाई जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोलिफरेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर हेजॉग सिग्नलिंग काम करती है और इस तरीके से यहाँ पर हेजॉग सिग्नलिंग डिवीजन करवाने में मदद करेगी सेल का। सो यहाँ पर ये जो CBP है और CI है, इनके बहुत सारे टारगेटिंग हो सकते हैं, बहुत सारे जीन्स को टारगेट करेंगे, उनमें से एक जीन जो होता है वो होता है पैच्ड जीन। कैसे होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सिग्नलिंग में नेगेटिव रेगुलेशन होता है। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब कि तुम खुद के ही बनने को रोकोगे। कैसे, जैसे कि हमने कहा कि ये इस तरीके से DNA के पास जा रहा था, कौन कौन जा रहा था, CI जा रहा था और CBP उसके साथ जा रहा था। तो अब यहाँ पर ये जो DNA में जिस रीजन, जिस जीन को वो एक्टिवेट करवाएंगे तो बहुत सारे जीन्स को, उनमें से एक जीन है पैच्ड जीन, ये पैच जीन को एक्टिवेट करवा देंगे, जिससे पैच mRNA बन जाएगा। पैच mRNA से क्या बन जाएगा, पैच्ड प्रोटीन बनेगा। अब ये जो पैच्ड प्रोटीन है, ये वापस से कहाँ चला जाएगा, वापस से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके वंस अगेन ये क्या कर देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके वंस अगेन ये ब्लॉक कर देगा स्मूदेंड को। स्मूदेंड को ब्लॉक कर दिया तो वंस अगेन यहाँ पर जो CI है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ
इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से सीआई हो गया इनएक्टिव, तो सीआई इनएक्टिव हो गया तो उसने अपना क्या करवा दिया, नेगेटिव रेगुलेशन करवा दिया, यानी कि खुद के ही बनने को वो रोक रहा है। इसी के अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो सीआई के जैसे और भी ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हेजॉग में, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सीआई लाइक ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी प्रोटीन। तो वो कौन से हैं, टोटल तीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रेट्स में, टोटल तीन होते हैं जिनका नाम होता है GLE1, उसके अलावा होते हैं GLE2 और उसके अलावा होते हैं GLE3, जो कि हेजॉग सिग्नलिंग में रोल प्ले करते हैं सीआई के जैसे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, हमने अगर बोला कि ये हेजॉग सिग्नलिंग ज़्यादा होने लग गई, हेजॉग सिग्नलिंग अगर ज़्यादा अमाउंट में होने लग गई, यानी कि हेजॉग प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सेल डिवीजन ज़्यादा होगा, और सेल डिवीजन अगर ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ऐसे ही अगर मैंने आप लोगों के सामने एक और पॉइंट रखा जिसमें मैंने कहा कि यहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया है पैच्ड का, अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया है पैच का, तो पैच क्या नहीं कर पाएगा, पैच्ड यहाँ पे स्मूदेंड को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, स्मूदेंड को ब्लॉक नहीं करेगा तो सीआई एक्टिव रहेगा, सीआई एक्टिव रहेगा तो उसकी वजह से यहाँ पर सेल का डिवीजन ज़्यादा होगा, तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ पैच्ड हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से स्मूदेंड क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, स्मूदेंड अगर एक्टिव रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, सीआई फ्री रहेगा, अगर सीआई फ्री रहेगा तो सेल डिवीजन ज़्यादा होगा, सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इस तरीके की कंडीशन एक में देखी भी जाती है जिसका जिस कैंसर का नाम होता है कार्सिनोमा यानी कि स्किन कैंसर यहां पे होता है, ये भी इसी वजह से होता है, तो ये होता है कार्सिनोमा ऑफ द स्किन। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है जो कि कैंसर को रोकने में रोल प्ले भी करते हैं, जिसमें से एक है साइक्लोपामाइन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मिडोलीली में मिलता है और इसका काम क्या होता है, ये ब्लॉक कर सकता है हेजॉग पाथवे को, इसका काम क्या है, हेजॉग पाथवे को रोक देना, हेजॉग सिग्नलिंग को रोक देना। किस तरीके से हेजॉग सिग्नलिंग को रोक देता है, कि ये जो साइक्लोपामाइन है ये स्मूदेंड जो मॉलिक्यूल है उसके जाके एसोशिएट हो जाता है, उससे जाके टाइटली बाइंड कर जाएगा, तो ये क्या करता है, ये टाइटली बाइंड कर लेगा स्मूदेंड से, अगर एक बार इसने स्मूदेंड से टाइटली बाइंडिंग कर ली तो उसकी वजह से क्या होगा, सीआई फ्री नहीं हो पाएगा तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर स्मूदेंड क्या रहेगा, स्मूदेंड की वजह से सीआई इनएक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल डिवीजन जो है वो कम होगा। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, मिडोलीली में मिलता है, तो ये यहाँ पर साइक्लोपामाइन है जो हेजॉग पाथवे को रोकता है और कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कौन से कंडीशन में, जिसमें हेजॉग की वजह से कैंसर हो रहा है। तो इस तरीके से गाइस हेजॉग की सिग्नलिंग थी, हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जब हेजॉग नहीं आता है तब स्मूदेंड इनएक्टिव रहता है, जिसकी वजह से सीआई जो है डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड रहता है और उसका फॉस्फोराइलेशन करवा देते हैं ये तीन प्रोटीन, जिसकी वजह से उसका यूबिक्यूटिनेशन हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, और वो जो डिग्रेडेशन से जो कॉम्प्लेक्स अब बनेगा, जो पार्ट बनेगा, वो एज अ रिप्रेसर के तौर पर वर्क करेगा। वही जब हेजॉग आ जाएगा तो पैच्ड का इंटरनलाइजेशन करने की वजह से उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, स्मूदेंड फ्री हो जाएगा, उसका फॉस्फोराइलेशन कर देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चला जाएगा, कोस्टल टू और फ्यूज्ड यहाँ पे आके कुछ कर नहीं पाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे और सीआई यहाँ पर फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइज ये हेजॉग सिग्नलिंग चलती है। आई होप आपको ये जो पाथवे है जान के बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।